हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं क्लास फर्स्ट के बच्चों को सर्वनाम और विशेषण करा रही हूँ, डेली करा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इस बच्चे के संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसके डेली मैं करवा रही हूँ अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब आज इसे मैंने लिए विशेषण, 5 विशेषण शब्द लिखकर दिखाओ। तो देखिए, काला, सुंदर, मीठा, सफ़ेद, लंबा, जो भी आपको आते हैं वो लिख कर दिखाया बच्चे ने मुझे। इसके बाद मैंने विशेषण शब्द फिल करो, बर्फी, मीठी, नींबू, खट्टा, मिर्च, तीखी, अचार, चटपटा, नमकीन, कुरकुरी और टमाटर लाल। घर के लिए मैंने दिया है इसको विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखी है। तो ये मैंने इसको पहले लर्न करवा चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ के मैं इसको बार 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 बार, ये देखिए बीच में हिंदी वर्ण भी चल रही है, ड और अड़ के शब्द हैं और यहाँ पे ज और फ नुक्ता लगाकर बच्चे को वाक्य बनाए दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने विशेषण करवा रखा है इसको। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द दो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। हाँ, उदाहरण, काला, काला, पीला, मोटा, लंबा, ऊंचा, ठीक है? देखिए यहाँ पे विशेषण शब्दों के जोड़े बनाओ। तो ये सब मैं इसको करवा चुकी हूँ, डेली करवा रही हूँ डेली, ठीक है? अब मैंने इसको इंग्लिश में दिया है, शॉर्ट आंसर मैंने लिखवा ली है इससे। हु गिव्स मेडिसिन टू एनिमल्स, हु वाज हैप्पी टू सी द एलिफेंट्स एंड हु इज जू कीपर। तो शॉर्ट आंसर बच्चे ने लिख दिए हैं और घर से सारा रॉन्ग करके लाया था, ठीक है? जबकि इसको लर्न है पर अटेंशन नहीं दी ना घर पे, तो ये बच्चे ने रॉन्ग किया। यहाँ मैंने थोड़ी सी अटेंशन दी, अपने पास बैठ के करवाया, तो देखिए बच्चे ने कितना अच्छा किया। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बच्चा छोटा है लेकिन अगर आप अटेंशन देंगे, चाहे आप ट्यूशन टीचर हो, चाहे आप मम्मी हो, चाहे घर पर पढ़ा रहे हो, तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। अब मैंने इसको एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर है 2 लाइन का, वो मैंने अब दिया है इसको। व्हाट डज आरती डू, ठीक है? आरती क्या कर रही थी? आरती गिव्स मेडिसिन, बोलो, आरती गिव्स मेडिसिन एंड लुक्स आफ्टर एनिमल्स इन द जू। जू के अंदर जो एनिमल थे ना, उनको मेडिसिन दे रही थी और लुक आफ्टर कर रही थी, ठीक है? जाओ, अब मैं डिक्टेट करूंगी और बच्चा मुझे लिख कर दिखाएगा। ये लो, आप कॉपी ले जाओ, मैं बोलूंगी और आप आंसर लिखना, जाओ। क्योंकि डिक्टेट करने से क्या होता है, बच्चे बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि बच्चा लिखता भी जा रहा है, बोलता भी जा रहा है, सुनता भी जा रहा है और उसको लर्न हो जाएगी विद स्पेलिंग। लिखो आरती, क्या स्पेलिंग है आरती की? A-A-R-T-I, ए कैपिटल लिखना फर्स्ट वर्ड। डबल ए आर टी आई गिव्स, जी आई वी ई एस मेडिसिन, एम ई डी आई, बेटा डी अच्छे से बनाओ, सी आई एन डी एस एंड लुक आफ्टर लुक्स एल डबल ओ के एस आफ्टर एनिमल्स। धीरे 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 धीरे, मैंने आपको पहले भी बोला कि जहां बच्चों को स्पेलिंग लर्न होती है, बच्चा बहुत जल्दी चाहता लिखना। अभी देखिए, इसको नहीं आ रही थी तो आराम से लिख रहा था, और जहां इसको स्पेलिंग लर्न है वो जल्दीबाजी कर रहा है। इन द जू, कैपिटल कैसे आगे टी? तो छोटे बच्चे हैं, इनको लॉन्ग आंसर लर्न नहीं हो पाते हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे कराना है, तो आप बच्चों को डिक्टेट करके करवाइए, ठीक है? चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों,
अगर आप बच्चों को डिक्टेट करके करवाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। यस बोल के बताइए, व्हाट डज यस बेटा बोल के बताओ, क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। आरती गीत नहीं है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट डज आरती डू? आरती हैव मेडिसिन? नहीं 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 नहीं, आरती आरती स्पेलिंग बोलो। A-R-A-A-R-T-I आरती गिव मेडिसिन एंड लुक्स आफ्टर एनिमल्स इन द जू। इन द जू, वेरी गुड। तो देखा आपने कि बच्चे को लर्न भी हो गया और बच्चे ने मुझे सुना भी दिया। मेडिसिन की क्या स्पेलिंग है? MEDICINES मेडिसिन क्या है? MEDICINES गिव्स की क्या स्पेलिंग है? GIVS और एनिमल्स की? ANIMALS वेरी गुड। आफ्टर की? AFTER लुक्स की? LOOKS वेरी गुड। तो देखा आपने कि थोड़ा सा एफर्ट डालने की जरूरत है। अब मैं इसको इस आंसर को 3 बार रिपीट करवाऊंगी बच्चे से। चलो एक लाइन छोड़ के दोबारा लिखो, पेंसिल शार्प कर लो। उससे क्या होगा कि बच्चा जब एक ही क्वेश्चन को बार बार आंसर को रिपीट करेगा तो उसे बहुत अच्छा लर्न हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी कि छोटे बच्चे को लॉन्ग आंसर कैसे लर्न करवाना है। तो ये ट्रिक आपके काम आएगी, आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू।